सो लेट अस स्टार्ट. ठीक है, तो कल हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा था जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और वो आपका इक्वेशन था दैट इज PV इज इक्वल टू nRT. ये आपको पता होना चाहिए. दूसरी बात, आपको मैंने बताया था कि आइडियल गैस की क्या खास बात होती है, तो दो चीजें खास होती है क्योंकि गैस पार्टिकल्स में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, पहली बात, और दूसरा गैस पार्टिकल का वॉल्यूम इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस. कुछ याद आ रहा है? ठीक है, कोई दिखा था. देखिए थोड़ा सा भी आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं. पहला देखिए, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू वेटिंग ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. तब मिलेगा आपको पी वी इज इक्वल टू वेटिंग ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू आर टी. तो पी इज इक्वल टू वेटिंग ग्राम डिवाइडेड बाय बोलोगे आपका वी इंटू पी इंटू बोलोगे आपका मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू आर टी. नाउ यू नो वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, सो वी कैन ऑल्सो राइट पी एम इज इक्वल टू डी, दैट इज डी आर टी, है ना. ये भी आपका आइडियल गैस इक्वेशन का एक रूप है. देखिए आपको और एक बताते हैं, जहां पे भी जिस इक्वेशन में वॉल्यूम होगा उसको आप घुमा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. बॉयल्स लॉ बोलता है प्रेशर पी इज इक्वल टू कांस्टेंट के बाय वॉल्यूम वी. क्लियर है? अभी देखिए डेंसिटी डी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये भी आपको मालूम है. देयरफॉर मैं बोल सकता हूं देयरफॉर डेंसिटी बाय मास इज इक्वल टू 1 बाय वॉल्यूम. चलेगा? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं देयरफॉर प्रेशर पी इज इक्वल क्या मिलेगा बोलो आपका के इनटू 1 बाय वी. चलेगा? तो अगर हम लोग इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको मिलेगा प्रेशर पी इज इक्वल टू के इनटू बोलो भैया क्या 1 बाय वी का वैल्यू क्या है डी बाय एम, है ना डी बाय एम. तो वी कैन आल्सो राइट पी इज इक्वल टू के बाय मास इनटू बोलो क्या आपका डेंसिटी. और हम लोग बॉयल्स लॉ कैसे बोलते हैं फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, फिक्स्ड मास ऑफ गैस यानी जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और के भी आपका क्या है कांस्टेंट. तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या मतलब सर कांस्टेंट. हम लोग बोल सकते हैं लेट लेट के डैश इज इक्वल क्या मिलेगा के बाय एम, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है ना. तो हम लोग बोलेंगे प्रेशर पी इज इक्वल टू k dash into density dp. अगर इसको थोड़ा तेड़ेंगे तो आपको वही मिलेगा प्रेशर p is directly proportional to density of a gas at constant temperature and number of moles. At constant temperature and number of moles. यानी बॉयल्स लॉ का दूसरा सेक्शन आपके सामने पेश किया है. अब बॉयल्स लॉ का तो ये है ना at constant temperature and number of moles. उसके लिए तो खेल रहे हैं. बात समझ में आ रही है? अभी सबसे मेन बात याद रखिए, मैं क्यों बोल रहा हूं. देखिए अगर प्रेशर कम है तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल जैसे दूर रहेंगे, एल 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 दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो डेंसिटी क्या रहेगी कम रहेगी, घनता कम रहेगी. लेकिन जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो मॉलिक्यूल से नजदीक 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 आएंगे और वहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी. इसलिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. देखिए जब प्रेशर कम होता है गैस फुल फैला हुआ रहता है यानी वहां पे कोई भी डेंस नहीं होता है. जैसे हम लोग प्रेशर लगाते गैस कंप्रेस होता है, डेंसिटी बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है और एक समय इतनी बढ़ जाती है कि गैस किसमें कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में. तो वॉइस को समझ में आया? तो जहां पे भी वॉल्यूम की बात हो रही है वहां पे तुम लोग क्या लगा सकते हो डेंसिटी. और मैं चार्ल्स लॉ को भी घुमा सकता हूं. अरे चार्ल्स को तो घुमा सकते हैं ना हम लोग. चार्ल्स लॉ किसका? चार्ल्स जो भी है चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू के इनटू टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स. तो बी की जगह पे आप क्या डालेंगे बोलो अभी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी. आप खुद कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. अल्टीमेटली मेरा कहना यह है कि अगर आपका वॉल्यूम डेंसिटी के रूप में दिया है तो हो सकता है इन किसी एक इक्वेशन में से इक्वेशन आपको लेके प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा. यहां पे वॉल्यूम है वहां पर लगा सकते दिमाग. समझ में आ रहा है? ये कुछ आपके सामने था आइडियल गैस इक्वेशन का और बॉयल्स लॉ के अलग अलग रूप इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. ये क्वेश्चन कौन से हुए बोलो आपके? वड़ा पाव खाओ, दूसरा वक्त,
तीसरा गुप्त, तीसरा चौथा PM is equal to DRT and V is equal to KM, है ना? वकना, उल्टी करना, वकना, उमेट करना, ठीक है? ये एवोगैड्रो स्कोर फरमा रहा है। ओ चकना ओके कुछ नहीं। और आर की वैल्यू, आर की वैल्यू भी बोली, आर इज इक्वल टू 0.0821, मैं 21 बोल रहा हूं, 21 मत सुनना बस। और आपका वॉल्यूम किस में होता है? लीटर्स में। वैसे किस में होता है? एटमॉस्फेयर। टेंपरेचर हमेशा केल्विन में रहेगा, तो क्या रहेगा? केल्विन। मोल्स हमेशा मोल्स में रहेंगे, क्या रहेगा? मोल। समझ में आ रहा है? दूसरा, अगर आपका वॉल्यूम किस में है? मीटर क्यूब्स में, है ना? और प्रेशर किस में बोला आपका? पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपका आर का वैल्यू क्या रहेगा? 8.314 जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसको रटो थोड़ा, ठीक है? और जूल्स को अगर कैलोरीज में करना है क्या करोगे? 1.98। अरे अभी तो बताया आर इज इक्वल टू 1.98 कैलोरीज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सॉरी मैं, ये कुछ बातें तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है? सो आप लेट अस मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ योर गैसीय स्टेट पार्ट। लास्ट पार्ट है, हम लास्ट पार्ट सीखेंगे एनसीईआरटी के रूप से। बाकी तो हम लोग बहुत आपको पढ़ाने वाले हैं, लेकिन एनसीईआरटी खत्म हो जाती है फिर हम वही कुछ कचरा सिखाते रहते हैं तुमको। जो तुमको दिमाग में घुस गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं घुसा तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड बहुत ही नहीं समझने वाला या समझने वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। समझाते बहुत सिंपल है, ठीक है? देखिए अपना जो आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज PV is equal to nRT, nRT, ठीक है? और आपको आइडियल गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मालूम है, फिर से सुनना, इसी पे सब आगे का गैस स्टेट डिपेंडेंट है। आइडियल गैस नयन एक ऐसा गैस है जिनके पार्टिकल्स में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, यानी तुम कितना भी प्रेशर लगाओ, कितना भी प्रेशर लगाओ, कितने भी नजदीक आए, एक दूसरे में घुस क्यों ना जाए, लेकिन वो अट्रैक्ट होंगे क्या? नहीं। यानी आप आइडियल गैस को कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पहला है, there is no force of attraction between particles या molecules of ideal gas। दूसरा पॉसिबिलिटी है, जिसको नहीं याद हो प्लीज पुराना लेक्चर देख ले। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल या वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। कुछ याद आ रहा है? मैंने बताया था अगर ये बहुत बड़ा कंटेनर है दोस्तों और इसमें ऐसे गैस भरा हुआ है, गैस, राइट? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ गैस? दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर, ठीक है? अभी देखिए कंटेनर का वॉल्यूम कितना बड़ा है, तो उसके तुलना में इस पार्टिकल का वॉल्यूम हम निगलेक्ट कर सकते हैं ना? ये किसके लिए बोला? आपके आइडियल गैस के लिए, है ना? लेकिन एक्चुअल में ये आपके रियल गैस के लिए होता है क्या? नहीं, क्योंकि रियल गैसेस में क्या होता है? बोला आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो अगर तुम प्रेशर बहुत कम रखेंगे, प्रेशर बहुत कम होगा तो अल्टीमेटली क्या बड़ा होगा? ज्यादा वॉल्यूम बड़ा होगा, बॉयज लॉ के अनुसार। तो पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली यहां पे एट लो प्रेशर रियल गैस इज बिहेविंग लाइक बोलो क्या आपका आइडियल गैस, क्लियर? एट लो प्रेशर। तो हम लोग लिख सकते हैं, मैंने लिखा के दिया फिर से, रियल गैस बिहेव्स मैंने यहां लिखा था, याद रखना कुछ करके, बिहेव्स लाइक आइडियल गैस एंड बोलो क्या आपका लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। समझिए, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो गैस किस में रहेगा? गैस में रहेगा। 38 मीटर क्यूब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तब लोग बोले देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हो रहा है ना? तो रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। समझ में आया?
तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल रियल गैसेस विल फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन एट बोलो कि अब कब वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो मैंने बोला कि हीलियम गैस है, या मैंने बोला नियॉन गैस है, या मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कर रहा है, इसका अस्तित्व है, तो समझ जाना कि वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कर रहा है, मतलब सॉलिड की बात कर रहे हैं। क्या बोला आपका? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। और मैंने बोला एक ऐसा गैस है जो किसी भी टेम्परेचर पे या किसी भी प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कर रहा है, तो कौन सा गैस होगा? आइडियल गैस। समझ आ रहा है? तो ये इक्वेशन आइडियल गैस हमेशा फॉलो करता है, चाहे कुछ भी टेम्परेचर हो, चाहे कुछ भी प्रेशर हो, या चाहे कुछ भी वॉल्यूम हो। मैंने लो प्रेशर बोला ना, तो मैं इसे बोल सकता हूं क्या? रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस एट लो प्रेशर और क्या बोला आपका? और हाई वॉल्यूम एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर तो हाई वॉल्यूम ना, एंड बोलो आपका हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको समझाता हूं। ठीक है, तो देखिए समझे बात को, पहली बात समझिए, पहली बात को समझिए, बहुत मस्त सी बात है। देखिए, अगर तुम्हारा जो गैस अंडर कंसीडरेशन है वो आइडियल गैस है, परीक्षित हो गया आलस, ठीक है, अगर आइडियल गैस है तो अल्टीमेटली पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगा। क्लियर? किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे, किसी भी वॉल्यूम पे, समझ आ रहा है? लेकिन अगर वो रियल गैस है एक सर्टेन टेम्परेचर एंड सर्टेन प्रेशर पे फॉलो करेगा ना, समझ आ रहा है? बाकी टेम्परेचर पे एंड बाकी प्रेशर पे वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा। यानी वो आइडियल गैस से क्या जा रहा है? दूर जा रहा है ना। आइडियल गैस से क्या जा रहा है? डेविएट हो रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। समझ में आ रहा है? यानी अगर आपका रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहा है, इट मींस दैट रियल गैस इज डेविएटिंग फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। समझ में आ रहा है? तो क्यों डेविएट हो रहा होगा? क्यों डेविएट हो रहा होगा? अरे पागल लोग, रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे होंगे, दूसरा उसका जो वॉल्यूम है पार्टिकल का, वो कंटेनर के वॉल्यूम के तुलना में नेगलिजिबल होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर वैसा हो गया तो फॉलो करेगा ना। तो किसी ने पूछा व्हाई रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो समझना क्या? बिकॉज देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अ रियल गैस एंड वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ रियल गैस कैन नॉट बी निगलेक्टेड एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस। समझ में? कुछ भी हो, किसी ने पूछा व्हाई आइडियल गैस व्हाई रियल गैस, तो बताना दो ही स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? देखिए देखिए मेरे दोस्त, अगर रियल गैस है तो पीवी हमेशा किसको इक्वल रहेगा? एनआरटी को। सॉरी आइडियल गैस, पॉइंट है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपका रियल गैस है तो प्रेडेटर का प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी ऑलवेज इक्वल टू बोलो क्या आपका? एनआरटी। सॉरी आइडियल गैस, सॉरी, अगर आपका आइडियल गैस है तो प्रेडेटर का प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी ऑलवेज इक्वल टू बोलो क्या? एनआरटी, हमेशा। ठीक है, देखिए ठीक है, लेकिन आपका रियल गैस है, रियल गैस है तो वह उसका प्रोडक्ट पीवी विल बी नॉट ऑलवेज इक्वल टू एनआरटी, नहीं होगा। एक तो एनआरटी से क्या होगा? ज्यादा होगा। एनआरटी से क्या होगा? कम होगा। बात तस्वीर ले लेंगे, देखो समझो, आइडियल गैस इधर मैं लिखता हूं, आइडियल गैस का केस इधर, और मैं इधर लिखता हूं रियल गैस का केस, दो केस की है। देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो मैं बोलता हूं लेट नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर इनटू टेंपरेचर टी, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स मैंने रख दिया एक, मोलर गैस तो कांस्टेंट है और टेंपरेचर मैंने फिक्स कर दिया, यानी प्रोडक्ट ऑफ एयर एंड टी क्या हो गया? कांस्टेंट ना। तो मेरे सपोज 100 है, कितना है 100, तो आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल हमेशा क्या रहेगा? 100, हमेशा 100 रहेगा, चाहे तो प्रेशर बन रहा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100, लेकिन वो कितना रहेगा? 100, चाहे तो प्रेशर 2 रख 50, लेकिन कितना रहेगा? 100। यानी आइडियल गैस के लिए प्रेशर वॉल्यूम का सेटिंग ऐसा होता रहेगा, सेटिंग समझ में आ रही ना? सेटिंग समझ में आ रही है, सेटिंग ऐसा होता रहेगा क्यों? कितना रहे? 100, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और उनका वॉल्यूम हम लोग निगलिजिबल कर सकते हैं। रियल गैस के लिए एक सर्टन टेम्परेचर प्रेशर पे पीवी इज इक्वल टू 100 है, सर्टन टेम्परेचर प्रेशर, उसी सर्टन टेम्परेचर प्रेशर में
उसी उसी कंडीशन पे अगर मैंने प्रेशर दो रखा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 50, कितना रहेगा 100, एक सर्टेन टेम्परेचर है प्रेशर, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर प्रेशर से भटकता हूं, टेम्परेचर प्रेशर से मैं क्या करता हूं भटकता हूं, अगर मैं टेम्परेचर प्रेशर से भटकता हूं ना तो होता क्या, देखो बात को समझो, मैंने अगर प्रेशर मेरा 5 कर दिया तो अल्टीमेटली वॉल्यूम कितना होना चाहिए 25 ना, लेकिन 20 होना चाहिए ना, लेकिन मेरे दोस्त 20 नहीं होता है, हो सकता है 26 हो जाए या हो सकता है 24 हो जाए, यानी एक तो कम होगा एक तो क्या होगा ज्यादा होगा, यानी ऐसा हो गया तो अल्टीमेटली वो इक्वल टू 100 रहेगा क्या, नहीं। जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो कौन कौन से गैस है, रियल गैस, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। अब किसी ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, सेटिंग क्यों नहीं हुई सौ की, तो क्या बताओगे, वो दो सेट में रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम में आ गए and volume of particle cannot be neglected as compared to volume of a gas. अगर मैंने volume रखा 25 तो pressure कितना होना चाहिए 4, लेकिन ऐसे नहीं होगा, हो सकता है 3 हो जाए, हो सकता है 2 हो जाए, setting हो रही है क्या, नहीं setting नहीं हो रही है, क्योंकि real gas में क्या काम करता है, force of attraction है, volume of particle cannot be neglected as compared to volume of a gas. इसीलिए तो आपका रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम बोलो कि आपका आइडियल गैस इक्वेशन, यानी आपका हमेशा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी रहेगा क्या, नहीं। लेकिन आइडियल गैस की खासियत क्या है, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे कोई भी प्रेशर हो, चाहे कोई भी वॉल्यूम हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू हमेशा एनआरटी, रियल गैस के लिए एक सर्टन टेम्परेचर प्रेशर पे, सर्टन टेम्परेचर मतलब क्या आता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, इसी कंडीशन में। और ऐसा क्यों होता है, वो दो स्टेटमेंट अब समझ में आया तुमको, मैंने पहले ही बोला है कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ जाएंगे, नहीं तो भटक जाओगे, दो स्टेटमेंट क्लियर है, क्लियर है, तो थोड़ा सा देखो इसको मैं हटाऊं, देखो फिर बात को क्या लेकर आते हैं, मजेदार बात सामने पेश कर रहे, मजेदार बात ये दिमाग में रखना, रिकॉर्ड करना दिमाग में, तो देख लो, देखिए PV is equal to nRT ideal gas के लिए, PV will be greater than nRT 100 से ज़्यादा, for बोलो क्या आपका real gas, जब PV will be less than nRT 100 से कम, इसके लिए real gas, लेकिन ultimately मेरा तो खेल मैथ से खेलना है ना, यानी मैंने जो equation तैयार किया है इसके लिए apply करना है real gas, तो मुझे setting तो करना पड़ेगी कुछ तो भी, तो वही setting करने के लिए हम करते हैं मेरे दोस्त PV is equal to ZnRT. PV is equal to ZnRT. और Z is equal to compressibility factor of a gas. Compressibility factor of a gas. समझ में आ रहा है? ये जो equation है, ये कौन सा equation है? Real gas equation. रियल गैस इक्वेशन, और ऊपर वाला कौन सा इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। खुशी का आंसू निकल गया अमृता, तबियत खराब हो गई बहुत, तो जरूरी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट से देखो, अगर तबियत साथ नहीं दे रही तो आराम से सो सकते हैं, बाद में भी देख लेना लेक्चर को, तो सो जाओ सुना है तो प्लीज प्लीज। देखो अभी बच्चों ने तो बोला कि सर बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं वीडियो में, तो चलो एसी बंद रखी के गर्मी आ रही है सर को, सोना है बेटा सो जाओ प्लीज, सो जाओ वैसे आप आराम कर सकते स्टाफ रूम में जाके, जाओ 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 बेटा जाओ भाई, आप लगा दो एसी सजा बेटा जाके आराम नहीं है।
नहीं खुद तो बहुत हॉट समझ रहे थे ताकि आप रियल गैस को किसी जैसे ट्रीट कर सको आइडियल गैस जैसे। देखो सपोज मैं बता रहा हूं पीवी इज इक्वल टू आपको आ गया 50 और एक्चुअल में कितना बोला आपका 100 है ना आरटी सेटिंग करना है तो आपका झेड का वैल्यू क्या रहेगा 2 सेटिंग के लिए ना इक्वल करना है अगर आपका पीवी इज इक्वल टू आ गया 200 इसलिए है ताकि वो किसी जैसे बिहेव करे आइडियल गैस इसलिए हमने जीरो को क्या बोला कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है हां समझ में आ रहा है और आपका z इज इक्वल टू देखिए अभी z इज इक्वल टू 1 अरे pv इज इक्वल टू nrt है ना यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर 1 है तो आपका रियल गैस किसके से बिहेव कर रहा है आइडियल गैस हम लोग बोल सकते हैं कौन सा गैस बोलेगा बोलो यहां पे बोला आपका रियल गैस आइडियल गैस मैं इसको देख रहा हूं ये रियल गैस का इक्वेशन है लेकिन z क्या आ गया 1 आ गया तो मतलब बोले जो रियल गैस है वो क्या बन गया आइडियल गैस समझ में आ रहा है z इज ग्रेटर देन 1 यानी पॉजिटिव 1 1 को हम 0 समझते समझिए आप सब ऐसे दिमाग लगाओ समझते मतलब मैथ्स में आते के लिए मत जाओ सर 1 को कैसे सीरियस समझेंगे थोड़ा सोचो ऐसे सोचो थोड़ा हाँ, z is greater than 1 अगर ऐसा हो रहा है यानी z is greater than 1 हो रहा है ना अगर ऐसा हो रहा है तो आपका nrt वैल्यू क्या कम आ रही है ना बात समझ में आ रही है जब z is greater than 1 हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो डेविएशन हो रहा है वो पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है वो तो डेविएशन हो रहा है पॉजिटिव डेविएशन समझ में आ रहा है अगर मैंने बोला z is less than 1 तो कौन सा डेविएशन हो रहा है नेगेटिव डेविएशन कौन सा डेविएशन है नेगेटिव डेविएशन अभी देखो मैंने 1 को 0 क्यों बोला 1 को 0 क्यों बोला अभी देखो 1 को 0 0 से बड़ा कौन सा पॉजिटिव और 0 से छोटा बड़ा कौन सा नेगेटिव तो देखो z इज ग्रेटर देन 1 पार्टिकल कौन सा डेविएशन है पॉजिटिव डेविएशन z इज लेस देन 1 कौन सा बोला आपका नेगेटिव डेविएशन किसके रिस्पेक्ट में आइडियल गैस के बात समझ आ रही है और z क्या बोला आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो क्या आपने समझाया नहीं लेकिन तुमको फील आया होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कुछ तो होगा गैस को क्या करना होगा लेके आते हैं थोड़ा सा बात समझ में आई हां ठीक है अभी थोड़ा सा और आपको सामने चीजें पेश करते हैं मैं इसको हटा देते हैं हीटर एटमॉस्फेयर को आप यहां पे लिख लेते हैं अपने लिए आपने कल लिखा हुआ है कल लिखा हुआ है ठीक है कल नहीं लिखे अच्छा तो आप ठीक है कल परसों जो भी कल परसों जो भी है ये समझ में आया अभी आगे की बात समझो थोड़ा सा अभी मुझे और थोड़ी बात को ग्राफ ग्राफ में लेके आना है थोड़ा धीरे धीरे लेके जा रहे हैं पॉइजन आपको दे रहे हैं धीरे 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 मजेदार चीज है लेकिन प्लीज साथ मत छोड़ना कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है बहुत आसान है अभी मैं क्या बोलता हूँ अभी मैं ऐसे बोलता हूँ आइडियल गैस के लिए पी वी is equal to n r t for which gas बोलो क्या आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए volume occupied by one mole of gas at given temperature and pressure is called as मोलार वॉल्यूम कुछ याद आ रहा है वीएम समझ में आ रहा है देखिए 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम कितना मोल का 22.4 लीटर्स तो हम लोग बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी उसका मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर्स लेकिन अगर आपका एसटीपी कंडीशन ना समझ रहा है हमें क्या बोला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट गिवन टेंपरेचर एंड प्रेशर यानी कोई भी टेंपरेचर कोई भी प्रेशर पे अगर 1 मोल गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे मोलार वॉल्यूम एट दैट टेंपरेचर एंड प्रेशर बात क्लियर हो रही है
समझ में आ रही है? तो मैंने बोला लेट नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 1 एट गिवन प्रेशर एंड टेंपरेचर, एट गिवन प्रेशर एंड टेंपरेचर, तो जो मेरा वॉल्यूम हो क्या हो जाएगा? मोलर वॉल्यूम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? P into Vm इज इक्वल क्या मिलेगा? RT। n तो 1 हो गया ना भैया, n इज इक्वल टू 1 है ना। और ये किसके लिए मैं बोल मेरे दोस्त बोलो, आइडियल गैस, क्लियर? अभी थोड़ा रियल गैस के लिए खेलते हैं। रियल गैस का इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू ZnRT है कि नहीं? तो वही मैं बोलूंगा लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू 1 मोल एट गिवन टेंपरेचर एंड प्रेशर, देन वॉल्यूम विल बिकम, बोलो क्या आपका? मोलर वॉल्यूम। मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा मैं? क्या बोलूंगा मैं? P V M इज इक्वल क्या बोला आपका? Z M Z R। समझ में आ रहा है? बात को समझिए, बात को समझिए। V M इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, समझ में? एंड V M इज मोलर वॉल्यूम ऑफ, बोलो क्या आपका? रियल गैस, ठीक है? अभी मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मैं बोलता हूं मेरे दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। मैं बोलता हूं डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 by 1। हम लोग बोलते हैं डिवाइडिंग 2 by, बोलो क्या आपका? 1 ना। तो क्या आएगा बोलो? P Vm of which gas, बोलो क्या आपका? रियल गैस। चलेगा बोर्ड पे? कैसे चलेगा बे? इज इक्वल टू Z R T, की वर्ड बोलो क्या आपका? P into Vm of which gas? आइडियल गैस। डिवाइडर बोलो क्या आपका? R T। आपको कुछ भी नहीं बोल रहे हम, R T R T बोल रहे हैं। देखिए R तो आ गया है कि नहीं? ऊपर ऊपर और नीचे वाला कौन सा गैस है? आइडियल गैस। ऊपर वाला रियल गैस। मैं बोलता हूं लेट दोनों गैसेस के प्रेशर भी सेम एंड टेंपरेचर भी सेम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी सेम रखे ना, n इज इक्वल टू 1 मोल, तो दोनों सेम रहे। तो P P से गया और बोलो क्या आपका? T T से गया, तो आपको क्या मिलेगा? V आप बोलो क्या? मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू Z, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। समझ में? समझ में? बात को ध्यान से समझना एकदम सटीक तरीके से, यहाँ पे चीजें उल्टी पार्टी होने वाली है, यहाँ पे उल्टी होगी। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना, इनमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हमने एक लॉ लिखा था दैट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे लेते आपके लिए, आपके लिए अवोगैड्रोस लॉ। अवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता था? नहीं नहीं, थोड़ा बड़ा। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर equal moles of gases, equal moles of gases occupies equal volume, ja raha hai at constant temperature pressure and equal moles of gases occupies equal volume na, tumne wohi bhi yahan pe wohi kiya na, dono ka kya same kiya hai? Pressure sir, dono ka kya same kiya hai? Temperature, aur dono ke number of moles kitne rakhe hai? 1 1 1 Avogadro's law ki baat kar rahe hai na, so at constant temperature pressure and equal moles of gases, their volume will be equal to आपका equal, यानी हमारे अनुसार V mole of real gas should be equal to V mole of बोलो क्या आपका? Ideal gas। अगर ऐसा हो गया तो आपका Z is equal to यानी one, Z is equal to क्या हो जाएगा? One, यानी आपको क्या मिलेगा? Molar volume of real gas is equal to molar volume of ideal gas, है क्या नहीं? हम लोग बोलेंगे हाँ, अपना Z अगर 1 आ गया तो हम लोग बोलेंगे मेरे दोस्त अपना रियल गैस इज बिहेविंग लाइक, बोलो क्या आपका? आइडियल गैस। Z की जरूरत नहीं, डायरेक्टली P इज इक्वल टू NRT से जो करना हो करो, बात समझे? लेकिन अगर बात को समझिए, लेकिन अगर इफ इफ Z इज ग्रेटर देन 1, इफ Z इज ग्रेटर देन 1 तो प्लीज मुझे सुनाना what will be the relation between molar volume of real gas and molar volume of ideal gas? कौन बड़ा होगा? real gas volume बड़ा होगा या ideal gas का? real gas का ना? सुनिए,
जेड ग्रेटर देन 1 आपको क्या मिलेगा v मोलर ऑफ बोलो कपका रियल गैस इज इक्वल क्या मिलेगा z इनटू v मोलर ऑफ बोलो कपका आइडियल गैस ig थोड़ा आइडियल गैस ना अभी मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस को इक्वल करने के लिए अब आइडियल गैस के वॉल्यूम से कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं z से एडिटिविटी ये बड़ा होगा ना आपको मिलेगा क्या मिलेगा यहां पे व्हेन z ग्रेटर देन 1 क्या बोलोगे मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन मोलर वॉल्यूम ऑफ बोलो क्या आपका यस है ना यानी देखो बात को समझो मेरे दोस्तों मैंने प्रेशर लगाया प्रेशर लगाने के बाद क्या कम होता है वॉल्यूम तो मैंने प्रेशर लगाया आइडियल गैस के लिए और सपोज वॉल्यूम हुआ 2 जैसी मेरी अपेक्षा थी है ना तो मैंने उतना ही प्रेशर लगाया किसके लिए बोला आपका रियल गैस के एट सेम टेंपरेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स उतना ही प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम कितने होना चाहिए 2 ये मेरी अपेक्षा है ना लेकिन 2 हुआ क्या नहीं 2 से क्या हुआ ज्यादा यानी गैस से अभी ज्यादा कंप्रेस हुआ क्या नहीं हुआ अबे गैस कंप्रेस नहीं हुआ ना ज्यादा क्योंकि जितना वॉल्यूम मुझे एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है ना दिमाग में घुसाने वाली बात है मैंने बोला मेरे साथ चलना बस अरे तुम लोगों को फिर से एक बार तुमसे z is greater than 1 और आपको इस भी इक्वेशन में पुट करने के बाद मिला मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस यानी जब z greater than 1 रहेगा जितना वॉल्यूम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियल गैस का उससे क्या रहेगा ज्यादा रहेगा यानी आइडियल गैस का 5 आया रियल गैस का भी कितना एक्सपेक्ट कर रहा है 5 लेकिन कितना रहा है रियल गैस का 6-7 यानी जितना प्रेशर हम लगा रहे हैं आइडियल गैस पे उतना ही कंप्रेस हो जाएगा रियल गैस ज्यादा कंप्रेस होगा क्या नहीं होगा क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या रहेगा बात समझ में आई यानी यहां पे गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है क्या नहीं गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है क्या नहीं और जो गैस ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं है वो गैस जल्दी लिक्विफाई हो सकती है भाई जो गैस ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं है वो गैस जल्दी लिक्विफाई हो सकती है नहीं बे अगर जितना गैस ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा यानी उतने मॉलिक्यूल्स क्या आना चाहते हैं नजदीक नजदीक आना चाहते हैं ना और जल्दी क्या हो जाएगा लिक्विफाई हो जाएगा दूसरा अगर मैंने बोला ये देखो ये देखो इफ जेड इज लेस देन 1 जेड इज लेस देन 1 तो लेस देन 1 फ्रैक्शन ना फ्रैक्शन ना तो देखो z क्या रहेगा 1/2 1/3 1/4 के नहीं यानी अब मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस को इक्वल कर दिया गया इसको वॉल्यूम डिवाइड करना पड़ रहा है ना यानी आपका आइडियल गैस वॉल्यूम क्या रहेगा ज्यादा आइडियल गैस वॉल्यूम क्या रहेगा ज्यादा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन मोलर वॉल्यूम ऑफ बोलो क्या यानी यहां पे गैस क्या होगी ज्यादा कंप्रेसिबल मैंने प्रेशर लगाया 5 आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना हुआ 5 उतना ही प्रेशर मैंने लगाया तो रियल गैस का वॉल्यूम कितना हो गया 2-3 ज्यादा कंप्रेस हो गया कि नहीं यानी सिंपल है अगर z is equal 1 गैस इज नॉट कंप्रेसिबल क्योंकि भैया सुनो z is equal 1 किसके जैसे बिहेव कर रहा है आइडियल गैस z is greater than 1 कौन सा डेरिवेशन का दो मैंने z 1 को 0 कंसीडर किया था पॉजिटिव डेरिवेशन यानी गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है क्या नहीं है दैट इज लेस देन 1 तो गैस ज्यादा क्या ब्लॉक का कंप्रेसिबल समझ में हां समझ में हां तो जब पॉजिटिव डेरिवेशन होता है तो मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस में क्या रिलेशन होता है रियल गैस का वॉल्यूम क्या रहता है ज्यादा और जब नेगेटिव डेरिवेशन होता है क्या होता है रियल गैस का वॉल्यूम कम होता है समझ में आ रहा है और ये सब क्यों हो रहा है वो दो रीजंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो गया तो दो रीजंस और कम हुआ तो भी क्या मतलब के दो रीजंस बात समझ में आ रही है हां आइडियल गैस इक्वेशन का सिर्फ हमने प्रारंभ किया है एनसीईआरटी खत्म हो गई है अभी और चीजें पढ़ानी है कंपटीशन वाला प्लीज फुल लिख ले तो अभी हम लोगों ने z का मदद से मोलर वॉल्यूम में ऑफ आइडियल गैस और मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस में रिलेशन देखा राइट है ना मोलर वॉल्यूम ओ एसी बंद करो तो बेटा लेक्चर ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है एसी बंद करो चालू करो उठने लग गए ना ये लोग 18 पे रख दिया सर एक तो रहने बस बस
द्वारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने z में पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, नो डेविएशन क्या होता है वो देखा है ना, और रिलेशन सीखा था बिटवीन मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस, ये सीखा था। वही हम लोग है ना ग्राफ की मदद से सीखते हैं। तो पहले देखिए इक्वेशन जो आपके पास है, PV is equal to ZmRT, that is for real gas. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, PV by for one mole क्या होगा, PV by RT is equal to Z for कितना मोल बोलो आपका, one mole, समझ में आ रहा है। अभी देखिए इसको मैं थोड़ा सा बच्चों को दिमाग में नहीं घुसता है, घुसाने के लिए थोड़ा सा कोरिलेट करता हूं बॉयल्स लॉ से। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम V इज इक्वल टू कांस्टेंट V है ना, और अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं ऐसे तो देखिए PV अगेंस्ट P प्लॉट करेंगे तो ऐसा हो जाता है, कांस्टेंट रहता है ना, यानी अब प्रेशर कितना भी वेरी करो प्रेशर इनटू वॉल्यूम हमेशा ऐसा एडजस्ट हो जाएगा कि उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार है PV / RT इज इक्वल टू Z ना, PV / RT इज इक्वल टू कितना बोलो आपका, Z। अगर आपका आइडियल गैस है Z इज इक्वल टू क्या बोलो आपका, 1। Z इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस है, Z इज इक्वल टू क्या बोलो आपका, 1। तब का हमेशा PV / RT इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल क्या रहेगा, Z। समझ में आ रहा है ना, अगर ये कौन सा गैस है बोलो आपका, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए PV / RT हमेशा क्या रहेगा, 1, यानी चाहे आप प्रेशर की वैल्यू कुछ भी करो आइडियल गैस तो क्या रहेगा, 1। चाहे आप वॉल्यूम की वैल्यू कुछ भी करो आइडियल गैस तो क्या रहेगा, 1, क्योंकि अल्टीमेटली एट अ गिवन टेंपरेचर वो खुद को ऐसा एडजस्ट करेगा वैल्यू कितनी आ जाए, 1, जैसे यहां पे हो रहा था। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं ऐसे, यहां पे लिखता हूं मैं Z, यहां पे क्या लिखता हूं मैं Z, और यहां पे क्या लिखता हूं मैं बोलो आपका प्रेशर। देखो Z इज इक्वल क्या बोलो, PV / RT ना, यानी मैं ऐसे लिख रहा हूं Z, यानी मैं लिख रहा हूं Z इज इक्वल टू PV / RT है कि नहीं, और मेरा ओरिजिन ऐसे स्टार्ट हो रहा है यहां से 0 0 चलेगा, ऐसे मैं करूं 0 0 तो यहां पे रहेगा आपका 0.1, यहां पे रहेगा आपका 0.42 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 and 0.1, ये है कि नहीं, यानी यहां पे Z की वैल्यू कितनी है, 1। Z की वैल्यू 1 है, और यहां पे क्या बोला आपका, प्रेशर। अगर आपका आइडियल गैस है तो प्रेशर तुम कुछ भी वेरी करो, यानी जीरो रखो, जीरो तो नहीं, जीरो की जब बात करेंगे सब इक्वेशन जीरो हो जाएगा, थोड़ा सा ओरिजिन भी शिफ्ट करते हैं आप लोगों को, ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, समझ में आ रहा है ना, यानी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सपोज ऐसे कर लेते हैं इसको, समझ में आ रहा है। तो हम लोग 0 पॉइंट कितने स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से, समझ में आ रहा है। इधर पे हम लोग ऐसे करेंगे, देखो यहां पे 0.1 और यहां पे 0.1, टाइम हो गया क्या, यस हो गया, ठीक है, 2 मिनट, 0.1 यहां पे बोलोगे आपका 0.1, एंड हम लोग ओरिजिन शिफ्ट कर लिए। देखिए अगर आपका आइडियल गैस है तो PV / RT का रेशियो क्या रहेगा, 1, चाहे कोई भी प्रेशर हो, यानी इसका आप सीधा रहेगा ऐसा, क्योंकि 1 एक्सिस होगा ना, तो ये कौन से गैस के लिए हो गया बोलो आपका, आइडियल गैस के लिए, बात दिमाग में घुस रही है, ठीक है। अगर आपका रियल गैस भी आइडियल गैस के जैसे बिहेव कर रहा है मेरे दोस्त, तो अल्टीमेटली उसका ग्राफ भी ऐसे रहेगा इसके ऊपर 1। तो हम लोग है ना एक कुछ टेम्परेचर पे, यानी सेम टेम्परेचर पे गैसेस को, गैसेस का ग्राफ निकालते हैं। तो देखिए ऐसे निकाल दे, ऐसे निकाले, तो ये देखिए आपका हाइड्रोजन गैस है और ये हीलियम गैस है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो आप देखिए जब प्रेशर बहुत कम था, ये जो ग्राफ है ये भी सेम टेम्परेचर पे, ये भी जो ग्राफ है ये भी सेम टेम्परेचर, ये भी क्या बोला आपका, सेम टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर सेम ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि प्रेशर कुछ भी वेरी करो अल्टीमेटली अगर रियल आइडियल गैस है तो PV / RT का रेशियो क्या होना चाहिए, 1। इसका भी अगर रियल गैस से बिहेव कर रहा है इसका भी रेशियो क्या है, Z क्या रहेगा, 1 ना, क्योंकि टेम्परेचर क्या बोला आपका, सेम है। तो ये तीनों जो ग्राफ है वो आइसोथर्म्स है, मींस प्लॉटेड एट अ सेम टेम्परेचर। देखिए प्रेशर एक बहुत कम प्रेशर पे Z की वैल्यू क्या है, 1, देखो यहां पे 0.1 बहुत कम प्रेशर पे, देखिए जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं Z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है, देखिए अबे देखो ना, इसका मतलब ये जो गैसेस है हाइड्रोजन और हीलियम शोस पॉजिटिव डेविएशन एट व्हिच प्रेशर, हाई प्रेशर, देखो यहां लिखता हूं
मैं आप लिखता हूं, हाइड्रोजन एंड हीलियम शो पॉजिटिव डेविएशन एट वो लोग आपका हाई प्रेशर्स, एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम मे बिहेव या बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस वेरी 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 लो प्रेशर, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, समझ में आ रहा है। अभी वही मैं दूसरे गैसेस के लिए प्लॉट करता हूं, ये आइडियल गैस है, ये कौन से रियल गैसेस है। अभी मैं सपोज यहां पे प्लॉट करता हूं इसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोला आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो यहां से ऐसे खींचेंगे, ऐसे यहां से, समझ में आ रहा है। देखिए यहां पे लाइन टच हो रही है, दिख रहा है ना, ऐसा टच हो रही है, दिख रहा है। देखिए जब आपका प्रेशर बहुत कम था, देखो सेल की वैल्यू कौन थी कि नहीं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाज बिहेविंग लाइक आइडियल गैस एट वेरी 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 लो प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, देखिए नीचे नीचे आ रहा है ग्राफ, समझ में आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो सेल की वैल्यू क्या हो रही है, एक से कम हो रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक सर्टेन प्रेशर पे कौन सा डेविएशन दिखा रहा है, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, अरे वो देखो ना नेगेटिव डेविएशन, उसके बाद देखिए फिर से हम भागे 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 धड़ाम 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 टक 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 टक, फिर से एक प्रेशर ऐसा आया, कार्बन डाइऑक्साइड इसके जैसे बिहेव करने लग गया, गैस, समझ में आ रहा है। उसके फिर से हम लोग टक 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 भागे, कौन सा डेविएशन दिखाया, पॉजिटिव डेविएशन, समझ में आ रहा है। तो देखिए z की वैल्यू क्या हो रही है, एक से कम हो रही है, z की वैल्यू एक से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब अब देखना तुमको याद आता है कि नहीं आता, मैंने बोला ना कंफ्यूजिंग यहां पे स्टार्ट होता है, z की वैल्यू इज लेस देन 1, तो बता मोलर वॉल्यूम में ऑफ रियल गैस एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस में क्या रिलेशन है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, है कि नहीं, है ना। अभी देखिए आप प्रेशर लगा रहे हो तो आइडियल गैस का सपोज 5 से कम, 5 हुआ वॉल्यूम, तो उतना ही टेंपरेचर में उतने ही प्रेशर पे इसका भी कितना होना चाहिए, 5, तो ये 5 हो रहा है क्या, नहीं 4 3 2 हो जा रहा है ना, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाईली कंप्रेसिबल गैस है, मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगाया ज्यादा कंप्रेस हो गया, बात समझ में आ रही है। इसीलिए वो कौन सा डेविएशन दिखा रहा है, नेगेटिव डेविएशन, और यहां पे क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, यानी कौन से नॉन कंप्रेसिबल गैस है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और कौन से बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आ रहा है, ज्यादा कंप्रेसिबल है, यानी जल्दी कौन से गैस को लिक्विफाई कर पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत ज्यादा किसके लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा लिक्विफाई करने के लिए, हाइड्रोजन एंड हीलियम को। भैया अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं ऐसे, CH4 सेम वही कहानी इसकी, एट वेरी लो प्रेशर दिस बीविंग लाइक ग्रो कपका हाइड्रोजन गैस, एक सर्टेन प्रेशर पे वो क्या दिखा रहा है, नेगेटिव डेविएशन, एक सर्टेन प्रेशर पे वो क्या दिखा रहा है, आइडियल गैस बिहेवियर, और उसके बाद क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। ये हो गया कुछ ग्राफ का इंटरप्रिटेशन, बात समझ में आ रही है। और ये सारे जो टेंपरेचर्स मैंने, ये सारे जो मैंने ग्राफ्स प्लॉट किए सारे एक ही टेंपरेचर पे, ना तो इक्वेशन नहीं लगेगा ना भाई, नहीं लगेगा ना, यानी सारे के सारे क्या बोला आपके आइसोथर्म्स, है ना। और कोई अगर आपका गैस है 100-100 गैस या 2-2 गैस, और उसका ऐसा हुआ शुरू हो रही है ऐसा हुआ, तो कौन सा गैस रहेगा, मतलब का आइडियल गैस, कोई भी प्रेशर हो पीवी बार आरटी हमेशा एडजस्ट कैसे होगा कि जेड इज इक्वल क्या जाए 1 आ जाए, समझ में आया बात, दिमाग में घुसी। तो इतना ही है आपका एनसीईआरटी का पार्ट, आगे हम वैन डर वाल्स इक्वेशन को बहुत ज्यादा डिटेल में सीखने वाले हैं, और ये जो मैंने है ना बोला, ये जो मैंने बोला ये जल्दी लिक्विफाई हो रहा है, कौन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, यानी इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा, समझ में आ रहा है, ये जल्दी लिक्विफाई नहीं हो रहा है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, कम, यही हम प्रूव करके दिखाएंगे बाय वैन डर वाल्स इक्वेशन, बाय प्रूव करके दिखाएंगे, बोलो बोलो आपका वैन डर वाल्स इक्वेशन, वैन डर वाल्स इक्वेशन, वैन डर वाल्स इक्वेशन, इसे प्रूव करके दिखाएंगे वैन डर वाल्स इक्वेशन, समझ में आ रहा है। तो CH4 और CO2 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, और H2O में क्या है, कम, समझ में आ रहा है, ठीक है। वैन डर वाल्स इक्वेशन लगे आपके लिए, वैन डर वाल्स इक्वेशन लिख दे सामने, देखिए मैं कैसे बोल रहा हूं, पान स्क्वायर बाय v स्क्वायर, v इनटू v माइनस नोबडी,
v into nobody is equal to nrt yaar rt jo bol raha nrt pan square by v square pan square by v square into v minus nobody v minus nobody is equal to nrt yaar teen baar bolo pan square by v square into v minus nobody is equal to nrt samajh mein aa raha hai ye better was a equation yahan se dekhna ideal gas equation ye hai इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या मिल जाएगा? PV is equal to nRT. ये भी इक्वेशन किसकी मदद से बनेगा? आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से ही बनेगा, समझ में आ रहा है? और इसी को हम लोग कभी-कभार बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन, यानी हमेशा बोलते हैं आइडियल गैस विल फॉलो दिस इक्वेशन, कौन सा? PV is equal to nRT. रियल गैस विल फॉलो व्हिच इक्वेशन? वन डर वाज इक्वेशन एंड PV is equal to zNRT. बात समझ में आई? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है. कंटिन्यू.